हुआ है, उससे हमारे देश में भी बड़े पैमाने पर कारखाने और उद्योग बंद पड़े हैं। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर श्रमिकों की समस्या भी आने वाली है, यहां तक कि प्रवासी श्रमिक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में लाए जा रहे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, हम प्रवासी श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा करके उनको यहीं पर योजित करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में यह महसूस किया गया कि अभी कोरोना महामारी का संकट कब तक रहेगा ये अनिश्चित है। कोरोना महामारी पर पूरी तरह के अंकुश लगाने के बावजूद भी तत्काल प्रभाव से उद्योग या कारखाने समुचित ढंग से नहीं चल पाएंगे, यानी उनका संचालन विधिवत नहीं हो पाएगा। इसलिए उद्योग कारखानों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए, विशेष छूट प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, जिससे कि श्रमिकों के को बड़े पैमाने पर सेवा आयोजित करने का अवसर भी उपलब्ध हो सके, मिल कारखाने व्यापारिक प्रतिष्ठान समुचित ढंग से चल सके, उनको कानूनी अड़चन के तहत किसी प्रकार का व्यवधान उनके कार्य में ना आए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज उत्तर प्रदेश में जो लागू श्रम कानून है उसमें 1000 दिवस के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है। इस बात का आज 1000 दिन अस्थायी छूट प्रदान की गई है, लेकिन साथ ही साथ जो श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानून है उनको संरक्षण प्राप्त है, यानी वो कानून यथावत रहेंगे। विशेष रूप से बंधुआ श्रम प्रथा उत्साधन अधिनियम 1976, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन और सेवा शर्ते विनियम अधिनियम 1996 के प्रावधान लगातार यथावत बने रहेंगे। इसी के साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं के नियोजन से संबंधित श्रम अधिनियम के प्रावधान भी लागू रहेंगे। वेतन संदाय अधिनियम 1936 की धारा 5 के अंतर्गत 20 समय सीमा के अंतर्गत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं हैं उनको उन्हें प्रदान करने के लिए श्रम अधिनियमों में संशोधन हेतु यह विधेयक लाया गया है, जो आज कैबिनेट में पारित हुआ है। और इसका मकसद केवल इतना ही है कि हम जो उद्योग कोरोना महासंकट के चलते आज बंद हैं, कमजोर हैं, यहां तक कि उनमें काम करने वाले श्रमिक भी इसमें कार्य से वंचित हैं, यद्यपि
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में अपने कारखाने, मिलों या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लगाए गए कर्मियों को आज भी वो वेतन भुगतान कर रहे हैं। इसलिए हम कोरोना महासंकट के ठीक बाद इनको तेजी से फिर मिल कारखानों को चला सकें, व्यापारिक प्रतिष्ठान को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ मिल कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चलने से पुनः श्रमिकों को सेवायुक्त किया जा सके, श्रमिकों को काम मिल सके, प्रवासी मजदूरों को भी काम का कोई न कोई सेवायोजन का रास्ता इन मिल कारखानों इंडस्ट्रियों के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से निकल सके, इस मंशा से यह आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, जिसकी सूचना इस प्रेस के माध्यम से आप सभी लोगों को दी जा रही है। इस अपेक्षा के साथ कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे मिल कारखानों के मालिकों को, साथ ही साथ श्रमिकों को और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, सबको समुचित ढंग से पहुंच सके। धन्यवाद। यह विशेष संकट की परिस्थिति, यानी कोरोना महासंकट को देखते हुए जो विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए यह अस्थायी छूट 1,000 दिन के लिए दिया गया है। देखिए ऐसा ना, ये उत्तर प्रदेश में लगभग 38 श्रम कानून लागू हैं, 38 टोटल 38। तो जो लेबर डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट करता है वो आगे 1,000 दिवस तक इन्फोर्समेंट नहीं करेगा। ये जो छूट दी है ना, इन अधिनियमों को छोड़ करके बकाया जो दूसरे अधिनियम है उनमें इन्फोर्समेंट नहीं, जैसे इंस्पेक्शन नहीं, हमारे अधिकारी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, किसी प्रकार की नोटिस नहीं देंगे, साथ ही साथ उनके उनके रिन्यूअल ऑनलाइन हो जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा। ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें उनको बहुत टाइम टेकिंग लगता था, समय लगता था, इन सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया और यहाँ तक कि तमाम चीजों में हमारे अधिकारी उसको सर्टिफाइड करते थे तब उनको मिलता था, उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन का उनको पावर दिया गया। ये सारी चीजें हैं जिसमें मिल कारखानों उद्योगों और उनको किसी सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि बड़े मनोयोग के साथ, पूरे मनोयोग के साथ वो अपने उद्योग कारखाने और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चलाने में पूरा का पूरा ध्यान देंगे। अप्लाई करनी पड़ेगा भाई, बिना अप्लाई करे नहीं। देखिए प्रवासी श्रमिकों, प्रवासी भाई जब मिल कारखाने वो लगेंगे, नए निवेश भी होंगे, नए निवेश भी आएंगे, नए निवेश को भी सुविधा मिलेगी, तो नए निवेश होंगे तो नए निवेश में हमारे रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो जो अभी तक काम कर रहे हैं उनके अतिरिक्त भी अन्य श्रमिकों को काम मिलेगा, उसमें प्रवासी श्रमिक भी हो सकते हैं। तो अभी तो प्रवासी श्रमिकों को अभी जो हम उनको ला रहे हैं हमारी पहली प्रायोरिटी है, अभी क्वारंटाइन पीरियड में हम उनका वर्क नेचर देखेंगे, क्योंकि एक ही वर्क नेचर के सभी प्रवासी श्रमिक नहीं, उसमें कोई दिहाड़ी मजदूर होगा, कोई खोंचा लगाने वाला होगा, कोई ठिरिया लगाने वाला होगा, कोई कुछ करने वाला होगा, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर होगा, कोई उसमें मैकेनिकल हैंड वाला होगा, कोई टेक्निकल हैंड वाला होगा, कोई कुशल होगा, कोई अर्ध कुशल होगा, कोई अकुशल होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.